प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देर रात ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के ज्वालाजी में कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन के पक्ष में प्रचार किया। स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मुख्यमंत्री का ज्वालामुखी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी एवं चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद लगभग 1.5 माह EVM मशीनें स्ट्रांग रूमों में रही। चुनाव आयोग हमें इस बात का आश्वासन दे कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जिला कांगड़ा के शाहपुर में आए थे और उन्होंने जो हिमाचल के बारे में टिप्पणी की है वह उनकी निंदा करते हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि हिमाचल गंदगी का कीड़ा है। प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी जब वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हों। गड़बड़ करने वाले भी कई कलाकार हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को यकीनी बनाएगा कि जो हमारी पेटियां बंद होंगी और 1 या 1.5 महीने के बाद गुजरात के साथ खुलेगी, उनकी गणना होगी, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी, इसका आश्वासन इलेक्शन कमीशन हमको दे। इलेक्शन के अंदर गहना गहमी होती है, हम भी बातें करते हैं, उसी पार्टियाँ भी बातें करते हैं, मगर जिस प्रकार से आज हिमाचल के इलेक्शन में केंद्र के मंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस तरह से बातें करते हैं जो शोभा नहीं है। अभी शाहपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने कहा हिमाचल जो है वो गंदगी का कीड़ा है। क्या ये गंदगी का कीड़ा है? इस किस्म की भाषा का प्रयोग करना जो है किसी भी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता, खासकर वो व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री है।